Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 3. So we are back again with a new chapter today. So this chapter is all about ticking, right? So there must be a true or a false. तो यहाँ पर हमें कुछ general facts दिए गए हैं आज के इस chapter में. तो हमें उसको read करना है, common sense use करना है और फिर उसका answer देना है. चलिए kids शुरू करते हैं. So this is chapter number 13, basic science. बेसिक साइंस यानी कि वो फैक्ट जो कि नॉर्मली हम जानते हैं, तो उनके बारे में ही हमें ट्रू और फॉल्स आज राइट डाउन करना है. चलिए शुरू करते हैं. राइट ट्री फॉर ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. टी लिखिए अगर स्टेटमेंट ट्रू है, राइट, और एफ लिखिए अगर स्टेटमेंट फॉल्स है यानी कि वो स्टेटमेंट गलत है. पहले हम पढ़ते हैं, लेट मी आंसर. हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन अ सोलर सिस्टम. तो हमारे सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल में कितने प्लैनेट्स होते हैं बच्चों? वेल यस, 8 प्लैनेट्स होते हैं. चलिए अब आगे के पढ़ते हैं. नंबर 1, द अर्थ हैज अ फ्लैट शेप. तो अर्थ एक फ्लैट शेप की है. क्या वो है? क्या आपने कभी अर्थ का इमेज देखा है? वो हमेशा राउंड होती है. तो क्या एक अर्थ फ्लैट है? नो, अर्थ स्फीयर शेप में है. तो ये है फॉल्स. 2, हर्बीवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. तो किड्स, 3 तरह के एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर. हर्बीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है. नंबर 3, प्लैनेट्स दैट आर फार फ्रॉम द सन आर कोल्ड. जो प्लैनेट्स सन से दूर होते हैं वो होते हैं ठंडे, यानी कि वो होते हैं कोल्ड प्लैनेट्स, यानी कि दिस इज ट्रू. तो हम यहाँ लिखेंगे टी, राइट. क्लाउड्स आर मेड ऑफ वाटर वेपर. तो किड्स, क्लाउड्स जो है वो वाटर वेपर से बनते हैं. वेल, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. तो हम यहाँ लिखेंगे टी. नंबर 5, द हाईलैंड इज नोन एज द प्लेन. तो हाईलैंड को प्लेन कहा जाता है. सो किड्स, वेल, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. हाईलैंड को प्लेट्यू कहा जाता है, प्लेन नहीं. सो दिस इज फॉल्स. नंबर 6, अ गैस डज नॉट हैव इट्स ओन शेप. गैस का क्या कोई अपना शेप होता है? नो किड्स, गैस को कहीं भी कैसे भी डाल दो तो वो उसी शेप का बन जाता है. जैसे पानी, पानी को आप बॉटल में, बकेट में या मग में या ग्लास में डालते हैं तो वो अपना शेप चेंज करता है. वैसे ही गैस को अगर आप बलून में डालेंगे, पाइप में डालेंगे या किसी भी चीज में डालेंगे तो उससे उसका भी शेप चेंज हो जाएगा. तो यस, ये इसका अपना कोई शेप नहीं होता. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट. ऑल राइट किड्स, नेक्स्ट है, व्हेल्स आर अ टाइप ऑफ फिश. व्हेल्स भी फिश की तरह होते हैं, यानी एक फिश का ही टाइप है. वेल, रॉन्ग. व्हेल्स आर कॉल्ड मैमल्स और मैमल्स फिश नहीं होते. तो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज, टॉर्टॉइसेस आर एक्वेटिक एनिमल्स. वेल किड्स, टॉर्टॉइस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, राइट. सो नेक्स्ट है नंबर 9, रोज इज अ श्रब. तो क्या एक रोज श्रब है किड्स? वेल यस, रोज श्रब ही है. तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू. सो दिस इज ट्रू, एक रोज श्रब होता है, हर्ब नहीं, राइट. नेक्स्ट, 10, प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट. प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है. यस किड्स, प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है. पहले प्लूटो को सौरमंडल का एक हिस्सा माना जाता था क्योंकि वो हमारा 9th प्लैनेट माना जाता था, पर उसके बाद प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट बन गया जिसकी वजह से इसे माना नहीं गया. तो विल राइट ट्रू. नेक्स्ट, पिजन इज अ बर्ड ऑफ प्रे. तो पिजन एक ऐसा बर्ड है जो कि शिकार करता है. वेल किड्स, पिजन कभी भी शिकार नहीं करते. तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स. नेक्स्ट इज नंबर 12, इन ह्यूमंस द एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज जनरली एक्सेप्टेड एज 98 डिग्री फारेनहाइट व्हिच इज 37 डिग्री सेल्सियस, व्हिच इज ट्रू. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 37 सेल्सियस. सो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू. सो किड्स, विद दिस हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है. वी विल बी बैक अगेन विद अ न्यू चैप्टर इन जनरल नॉलेज पार्ट 3. सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.